Welcome to your English class. In today's class, we are going to see dialogue writing. Dialogue writing क्या है और कहाँ से syllabus में आ गया और क्यों जरूरी है? All the things we are going to see today. Dialogue writing जैसा कि word से ही है, di मतलब दो. इसका मतलब conversation between two people. डायलॉग राइटिंग को CBSE ने इस बार 10th के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को हटा के. डायलॉग राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी जगह जब इंग्लिश में बात करते हैं तो स्टक फील करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास कोई बात ही नहीं है बोलने को, तो उस टाइम में आप बातें कहाँ से लाएंगे और सेंटेंस और कन्वर्सेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे. उसमें प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंसी पाने के लिए ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर प्रैक्टिस कर लें और फ्लुएंट हो जाएं इंग्लिश कन्वर्सेशन में. ये रही इम्पोर्टेंस हमारे टॉपिक की. अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डायलॉग राइटिंग. डाई मतलब टू. डायलॉग राइटिंग वॉज यूजली यूज इन थिएटर्स, ड्रामाज एंड मूवीज, बट नाउ डायलॉग राइटिंग क्योंकि इंग्लिश कन्वर्सेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो डायलॉग राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, इसलिए इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिलेबस ऑल्सो. कन्वर्सेशन टू बिटवीन टू पीपल विल बी मेड इफेक्टिव ओनली इफ बोथ द पीपल रिप्लाई प्रॉपरली, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. अगर हम देखें टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग की, तो हर किसी का दो टाइप होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी ऑफिशियल पर्सन से या पर्सनल पर्सन से नहीं बात करते तो डायलॉग राइटिंग का टाइप भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल डायलॉग राइटिंग, और जब भी हम किसी पर्सनल पर्सन से बात करेंगे तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग. इनफॉर्मल में हमारे पास दो डायलॉग राइटिंग है, एक डायलॉग टू पेरेंट्स एंड नेक्स्ट डायलॉग टू फ्रेंड्स. पेरेंट्स में हम फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स टोन यूज़ करते हैं और फ्रेंड्स में हम कम्प्लीटली इनफॉर्मल टोन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैजुअल टॉकिंग. क्योंकि पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं उनसे हमें अच्छा टोन यूज़ करना चाहिए, इसलिए इसको फॉर्मल इनफॉर्मल कैटेगरी में रखना सही समझा गया है. दिस इज ऑल माई ओपिनियन. आगे चलते हैं. ये टाइप कैटेगराइज किसी ने अभी किया नहीं है बिकॉज वेरी लेस पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट डायलॉग राइटिंग, क्योंकि ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, सो पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट येस इट इज़ इन द सिलेबस, सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट. Also in the live class, many of you have missed the dialogue writing class, so it's here for you. Now, types of questions that are made. Types of questions in the exam. तो उस तरह से अगर type की बात की जाए, तो there are two types. That is, one is dialogue completion. मतलब एक dialogue दिया रहेगा और दूसरे dialogue पे blank. That you have to complete. The next one is dialogue writing या फिर dialogue creation. डायलॉग क्रिएशन में क्या रहेगा, आपको खुद से डायलॉग्स क्रिएट करने हैं और आपको सिर्फ एक टॉपिक या फिर एक सिचुएशन दी रहेगी जिसके बेसिस पे आपको डायलॉग्स लिखने हैं, पहले पर्सन के भी और दूसरे पर्सन के भी. सो बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस. इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स नेसेसरी हैं जब हम डायलॉग लिखते हैं. तो अगर बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स नेसेसरी हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच टिल वर्ब टेंस एवरीथिंग इज नेसेसरी इन डायलॉग राइटिंग. और इसीलिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि आपका ग्रामर पार्ट टोटली कवर हो जाएगा इसमें. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं डायलॉग राइटिंग. सो आफ्टर सीइंग द टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल, दैट इज टू द पेरेंट्स एंड टू द फ्रेंड्स, we moved on to types of questions, and there were two types of question, that was dialogue completion and dialogue writing. But there are some necessary points to be kept in mind while writing a dialogue, whether it be dialogue completion or whether it be dialogue creation. Now let's see the topics that has to be kept in mind before starting the dialogue writing, and the topics are relationship. The relationship between the speaker, that's what we discussed, either it would be formal or informal, formal and informal, that is formal complete officials, next will be informal jo ki parents ko ya fir friends ko, and that we have to keep in mind before starting the dialogue writing and while writing the dialogues. Thereafter we need to know the topic, what is the topic being discussed. Agar hospital ki baat ho rahi hai, then you need to talk about medicines, prescriptions, etc.
अगर स्कूल की बात हो रही है देन यू हैव टू टॉक अबाउट द रिलेटेड सब्जेक्ट एंड इफ इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हाउस होल्ड और रिलेशन इन द फैमिली यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. नेक्स्ट सिचुएशन, किस सिचुएशन में वो दोनों लोग हैं ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है. अगर नहीं दिया है और डायलॉग्स कंप्लीशन है तो आपको डायलॉग्स रीड करके सिचुएशन पता चल जाएगी एंड देन यू हैव टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अगर हॉस्पिटल में ही है तो कई सिचुएशन हो सकती है, कोई पेशेंट को लेके गया है, कोई पेशेंट खुद हो सकता है एंड मेनी अदर थिंग्स. सो दीज थ्री थिंग्स आर यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द डायलॉग राइटिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स, द टॉपिक ऑन विच द स्पीकर्स आर टॉकिंग and the situation in which they are. So after seeing these three things on which they are discussing, we need to go what are the things that to be kept in mind while writing the dialogue. अभी तक तो जो पहले सोचना था वो हमने देखा, अब लिखते समय जो जो सोचना है वो देखना है. And the very first thing in that is read the situation. अगर डायलॉग क्रिएशन का टॉपिक है जो कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्योंकि पहली बार ही आ रहा है तो नहीं आना चाहिए या फिर ऑप्शन देना चाहिए, तो तब आपको सिचुएशन थोरोली रीड करनी है. और इन केस ऑफ डायलॉग कंप्लीशन आपको प्रीसीडिंग डायलॉग्स और फॉलोइंग डायलॉग्स अच्छे से रीड करने हैं सो एज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. प्रीसीडिंग डायलॉग मतलब जो ब्लैंक है डायलॉग, उसके ऊपर वाला डायलॉग और उसके नीचे वाला डायलॉग दोनों ही पढ़िए ताकि आप सिचुएशन को जल्दी जल्दी से समझ सकें. नेक्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक. You need to understand the topic on which they are discussing. और ये समझने के लिए भी आपको अगेन you have to switch to the point one. You have to read the question or you have to read the preceding and following dialogues. Next thing, tense. अब ये क्या है जो सबसे important चीज़ है सब जगह. अगर आपकी बात शुरू हुई है past tense में, मतलब dialogue narration है, indirect speech है, तो उसको आपको narrative form में ही लिखना है, indirectly ही लिखना है. तो अगर हम देखें जैसा कि अभी बताया था कि हर टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा डायलॉग राइटिंग में, तो उसमें पैसिव वॉइस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी करनी है, इनडायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी करनी है. तो ये सब चीज़ देखना है कि एक होता है कि इंसान डायरेक्ट अपना डायलॉग डिलीवर कर रहा है एंड एक होता है कि किसी और का डायलॉग बता रहा है, तब तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे. इनडायरेक्टली यू हैव टू से इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे जब हम थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखानी है. तो ये सब चीज़ें डायलॉग राइटिंग में मतलब हर चीज़ ध्यान रखनी है. अब एक बात याद रखनी है, अगर जो पहला डायलॉग है वो पास्ट से शुरू हुआ है, मतलब पास्ट के इस टॉपिक का नरेशन है, तो आपको वो पास्ट में ही सारे डायलॉग्स लिखने हैं ताकि वो पास्ट में ही चलता रहे जो पूरा सिचुएशन है. अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा कि पूरा डायलॉग फ्यूचर में ही जाए. और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा कंटिन्यूस चल रहा है या सिंपल प्रेजेंट चल रहा है या रेगुलर बातें डिस्कस हो रही है, तो उसके हिसाब से सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं. टेंस का अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो देयर इज़ अ वीडियो ऑफ टेंस, प्लीज़ गो थ्रू इट. टेंसेस का बहुत थॉरो वीडियो, ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन है, वाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू इट. नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये क्या होता है मैं बताती हूँ. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जैसे आई एम, आई हैव रिटन, तो आई हैव रिटन तीनों एक दूसरे तीसरे के साथ अग्री हो रहे हैं. जो सब्जेक्ट आई है उसके साथ हैव रिटन अग्री हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है और तीनों चीज सेट हो रहा है. लेकिन अगर हम लिखते क्या आई वर रिटन, तो ना तो आई के साथ वर्ब लगता है और रिटन उस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है सन राइज, द सन राइज इन ईस्ट, क्या ये सही है? क्यों हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस और ई एस क्यों लगता है? क्योंकि हमें कंटिन्यूस मोड दिखाना है, तो यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा. नेक्स्ट ये तो हो गया एक फैक्ट सॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट अगर हम बात करें ही वॉक, क्या ये सही है? नो, ही आपका सिंगुलर है और जो वॉक है
ये प्लूरल वर्ब है। अब ये कैसे पता लगेगा? जब भी किसी वर्ब के साथ रूट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहे तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है, और जब एस और ईएस ना लगा रहे तो वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इस समय करना क्या है, हमें देखना है कि ही जो है वो सिंगुलर है और वॉक जो है वो क्या है? प्लूरल है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें एस या ईएस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ही वॉक्स होता तब ही सेंटेंस करेक्ट होता। तो ये बात हो गई हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इस पे भी आधा वो वीडियो वर्ब्स का वीडियो है, आप रेफर कर सकते हैं ऑन माय चैनल। नेक्स्ट, टॉक टू द पॉइंट ओनली। हम डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा डायलॉग एक लाइन का होना चाहिए, दैट इज इट। कथा नहीं सुनानी है हमें। बी प्रिसाइज, टॉक टू द पॉइंट, टॉक व्हाट इज नेसेसरी। अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ डायलॉग राइटिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ डायलॉग राइटिंग। Now here we are with the example of dialogue completion. We have a situation where a friend Rajat calls a friend Rohit. Rohit, a friend, calls a friend Rajat to talk about the weekend. मतलब छुट्टी में, Saturday Sunday की छुट्टी में कहीं जाने का। Here we have starting with the dialogue. We are going to start with the dialogue of Rohit. And here it is dash this weekend. अब इस वीकेंड प्लान बनाने के लिए फ़ोन किए हैं तो क्या पूछ सकते हैं? चलिए लेट्स थिंक दैट आपको इस पे भी नहीं कुछ आ रहा है। वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए कि प्लान क्या कर रहे हो या कुछ दिस वीकेंड, पर फिर भी नहीं आता है। तो रजत का डायलॉग पढ़ लीजिए, आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ प्लान जैसा ही होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉट इज़ योर प्लान दिस वीकेंड, या वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? What is your plan this weekend, or what are you doing this weekend? I hope this is clear. So ये हमें ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस डायलॉग से पता चल गया। सो पहला दो डायलॉग हमें कंप्लीट मिल गया है। What are you doing this weekend, या what is your plan this weekend? I don't have any special plan, says Rajat. Next, Rohit. How do you like the idea? Idea sahi of aa raha hai, of the zoo, to the zoo, of seeing the zoo, yeah, of going the zoo. Of going the zoo to sahi nahi lag raha hai, to of going to the zoo. Of going, क्योंकि अगर seeing या watching TV होता तो parents की permission लेने की बात नहीं कही जाती। तो फिर of going, going to the zoo, ठीक है? That sounds good, but I dash my parents' permission. So I need, I require, I have to take, ठीक है? So but I need to take, I need to take my parents' permission. Rohit, okay, will you talk in the evening? Will they be there at in the evening? Will they be agreeing in the evening? So here you can write, will you talk in the evening? और हमें मिल गया एक पूरा कंप्लीट डायलॉग। इस डायलॉग सेशन के बाद आई होप अगर आपको कंटिन्यूएशन में कुछ चार पांच डायलॉग और लिखने हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे विल यू टॉक टू देम इन द इवनिंग। तो इसके बाद रजत क्या कहेंगे? यस, आई श्योरली टू टॉक एंड ट्राई टू कन्विंस देम इन द इवनिंग। देन रोहित वुड आस्क, ओके देन शैल आई मेक द प्लान्स? देन रजत माइट से, यस यू शैल मेक द प्लान्स, बट आई विल बी गिविंग कन्फर्मेशन बाय द इवनिंग। एंड दस वी हैव कंप्लीटेड आवर डायलॉग राइटिंग। दैट्स ऑल अबाउट डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में जो की पॉइंट्स हैं वो ध्यान देने हैं, टेंसेस, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। इफ there's a question, you have to write a question, you have to start and complete the sentence as a question. So types of sentences जो हम पढ़ा करते थे, imperative, declarative, exclamatory और interrogative, इन चारों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो basically with the dialogue writing introduction in class
10th, CBSE has now given an opportunity to all the class 10 students to revise all their basic topic and to improve their fluency in English. So with the help of dialogue writing practice, you will be learning how to write dialogues and how to speak English fluently. Also remember, I'll be suggesting you some apps where you can have conversation with the computer and the app will be talking and you have to give answer. Your recorded voice you can hear and thus you can have a good nice practice of English speaking. Also, try some more tips to improve your dialogue writing and your English speaking. English speaking has the impact in your life and that you know. But English improvement has to be done and that is very important. So what do you need to do? You need to read English, you need to write English, you need to watch English, you need to speak English and then only you would learn English and that's all I always say. And it will help also in writing the answers and writing everything and also in speaking English to your people. That's all about this dialogue writing video. I hope it was helpful to you. I'll be making more videos related to English writing and grammar. Keep updated. Keep yourself updated on my channel. Thank you so much. Have a good day.